ये रिश्ते हैं प्यार के में जहाँ मिष्टी और नन्नू की सगाई की तैयारियां चल रही हैं, वहीं अबीर बहुत परेशान है। आप यहाँ देखेंगे कुहू की हेल्प करने के लिए अबीर कुहू के साथ मिष्टी के घर पहुँचाता है और यहाँ मिष्टी की पूरी फैमिली अबीर के घर पहुँची है। मिष्टी की पूरी फैमिली अबीर के घर मिष्टी की सगाई के लिए इन्वाइट करने के लिए पहुँची है। वहाँ नानू को और मौसी को सबको जब इस बात का पता चलता है, खासकर कुणाल को भी जब इस बात का पता चलता है कि नन्नू यानी कि निशान की शादी किसी और से नहीं मिस्ट्री से हो रही है, सब चौंक जाते हैं। लेकिन मीनाक्षी को तो इस बात का पहले से ही पता था। मीनाक्षी की खुशी तो देखते बनती है। मौसी को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत गलत लग रही हैं। उन्हें लग रहा है कि अबीर के हाथ से मिष्टी छूटती जा रही है और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि अबीर आज भी मिष्टी से बहुत प्यार करता है। और वहीं दूसरी तरफ अबीर पहुंचा है कुहू के साथ मिष्टी के घर। वो यहाँ मिष्टी को देखकर फिर से टेंस हो जाता है। दोनों के बीच में जो लेटर वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अभी भी बरकरार है। यहाँ पर मिस्टी ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन आने वाला है, नन्नू के साथ उसकी सगाई हो रही है, वो नन्नू के साथ शादी करके सेटल होकर बहुत खुश रहेगी क्योंकि नन्नू उसका बहुत ख्याल रखेगा। और यहाँ पर अबीर भी अपने चश्मे के नीचे, अपने ग्लास के नीचे, अपनी आंखों में वो आंसू छुपाए हुए मिष्टी को ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो भी मूव ऑन कर चुका है, वो इस रिश्ते को भूल चुका है और उसे अब मिष्टी से कोई मतलब नहीं है। मिष्टी के पुराने रिश्तों से, मिष्टी से जो उसका प्यार था, वो भी अब उसकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखता। दोनों यहाँ एक दूसरे के करीब हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं लेकिन जता नहीं रहे हैं, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर अभी भी गलतफहमी बहुत बड़ी है। और वहीं दूसरी तरफ मिष्टी जुगनू से पूछती हैं सारा सच, उस लेटर के बारे में पूछती हैं कि वो लेटर किसने दिया था। जुगनू यहाँ पर मासी को कसम देता है कि वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगे और मासी को सारा सच बताता है। वो मासी को बताता है कि मिष्टी दी यहाँ आई थी, उन्होंने ये लेटर दिया था और वो बहुत खुश थी। ये लेटर फिर उसने अबीर को दिया। मासी को लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मिष्टी अगर खुश थी तो वो यहाँ ज़रूर कुछ अच्छी चीज़ें लेने आई होगी। और वो यहाँ पर भाग के आती है गेट पर जहाँ पर अबीर ने वो लेटर फेंका था। वो उस लेटर को उठाती हैं और फिर से जुगनू से पूछती हैं कि ये लेटर जब भी मिष्टी ने तुम्हें दिया उस बीच में गायब हुआ था। जुगनू को याद आता है कि ये लेटर छत से नीचे गिर गया था और उसके बाद वो नीचे से दूसरा लेटर उठाकर अबीर को देता है। यहाँ पर मासी को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मीनाक्षी का किया धरा है। वो जानबूझकर ये सब की है, वो जानबूझकर मिष्टी और अबीर के बीच में और कड़वाहट पैदा करी है ताकि दोनों दूर हो जाए और मिष्टी की कहीं और शादी हो जाए, ताकि उनके घर में मिष्टी कभी भी बहू बन के ना आ सके, क्योंकि मीनाक्षी को मिष्टी फूटी आँख पसंद नहीं है। पर मासी भी खुद से कसम खाती है कि वो ये अनर्थ नहीं होने देंगी। कुणाल को संभालने के लिए वो अबीर को मिटने नहीं देंगी और वो अबीर को सारा सच बताएंगे, वो इस सच से अबीर को रूबरू कराएंगे। वहीं आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कुहू अबीर एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और कुहू यहाँ पर बिना जाने एक सच अबीर को बता देगी। वो कह देगी कि आपके घर के सारे लड़के हमारी लड़कियों को क्यों बर्बाद करने पे तुले हैं, आपके छोटे भाई ने मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा यहाँ पर कुहू कुणाल की बात कर रही है कि कुणाल ने निशान यानी कि नन्नू की ड्रिंक में अल्कोहल मिलाया था। ये बात अबीर को आज तक पता नहीं थी। कई बार मिस्त्री ने ये बात अबीर को बताने की कोशिश की पर अबीर सुनने को तैयार ही नहीं था। और आज अबीर को जब इस बात का पता चलता है तो उसे लगता है कहीं मिस्त्री सही तो नहीं थी, कहीं उसने मिस्त्री की बात ना सुनकर बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी। उसे इस बात का एहसास होगा और आपका और हमारा कबीर पहुँच जाएगा मिस्त्री के पास। यहाँ उससे माफ़ी मांगेगा, अपने प्यार को कन्फेस करेगा। मिस्ट्री यही तो चाहती थी। एक दिन का वक्त दिया था मिस्ट्री के बड़े पापा ने कि अगर अबीर आता है तो वो ये सब कुछ रोक देंगे। और अबीर यहाँ पहुँच जाता है, मिस्ट्री से माफ़ी मांगता है। मिस्ट्री और अबीर जल्द ही आने वाले एपिसोड में एक हो जाएंगे, दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। अब ये सब कुछ कैसे होता है और मीनाक्षी अब क्या करेगी, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।